वेलकम टू द चैनल एवरीवन, होप यू आर एब्सोल्युटली फिट। तो आज का दिन बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाला है, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। यार आपका भी कौसानी आओ यार, अल्मोड़ा से जो कौसानी वाला जो रास्ता है ना, यहाँ पे जरूर आना। एंड यहाँ से क्या व्यू है, इतना खूबसूरत है, सो ब्यूटीफुल। एंड मुझे अभी एक जगह दिखी है, ये रहा, कितना सुंदर दिख रहा है। यहाँ से दो तीन फोटो शूट करने वाला हूँ पे। दियोदार और ओक के फॉरेस्ट है यहाँ पे। चलो चलते हैं अभी मैं किसी गांव, मनान नाम का गांव है, यहाँ पे मैं रुका हूँ। एंड कॉफ़ी वॉफ़ी, बहुत भूख लग रही थी एंड नींद आ रही थी। पहाड़ों में एकदम ऐसे ऐसे टर्न है, तो अभी भी 1 घंटा और लगेगा पहुँचने में। तो मैं अभी एक और व्यू पॉइंट पे हूँ, ये रहा। अभी भी कौसानी शायद 10 किलोमीटर और बचा हुआ है। जहाँ जहाँ जा रहा हूँ वहाँ वहाँ फ़ोटो ले रहा हूँ। बहुत सुंदर है यार ये जगह। वैसे कौसानी ये मैं दूसरी बार जा रहा हूँ, लेकिन इस बार कहीं और भी जाना है। तो मैं अभी पहले कौसानी पहुँचता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। और ये रहा गांधी जी का आश्रम। अब मेरे पीछे हिमालय का व्यू अभी आपको दिख नहीं रहा है क्योंकि क्लाउड्स आ गए हैं। चलो इस आश्रम के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। इन द ईयर 1929 गांधी जी यहाँ पे आए हुए थे अनाशक्ति योगा सीखने के लिए। तो करीब 2 हफ्ते तक वो यहाँ पे रहे एंड कौसानी की सुंदरता को देख के उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ये स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया है। तो तब से ये आश्रम बहुत फेमस हो गया। तो अनलकीली मैं नहीं देख पा रहा हूँ हिमालय, थोड़ा सा भी नहीं दिखा क्योंकि क्लाउड्स है। सो अगर आप कौसानी आ रहे हो तो यार यहाँ पे एक दिन के लिए ज़रूर रुकना। एंड सुबह सुबह ही क्लाउड्स एंड वेदर बहुत क्लियर होता है। सो जब सनरेज जब रिफ्लेक्ट करता है माउंटेन पे तभी आपको जो व्यू मिलेगा दैट इज़ वर्थ इट। मेरे लिए तो लक खराब हुआ क्योंकि 3 घंटे का सफ़र करके आने के बाद यहाँ पे फिर हिमालय नहीं देखने से थोड़ा सा दुखी हो रहा हूँ। बट 2-3 साल पहले जब मैं आया था तब तो मुझे देखने को मिला था। सो मुझे उतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैं चाह रहा था कि आप लोग वो चीज़ देखो एंड जो भी है जैसा है आप इस व्यू को एंजॉय करो। सो अब निकलते हैं बैजनाथ टेम्पल जो बहुत पुराना टेम्पल है एंड यहाँ से करीब 20-30 किलोमीटर दूर है एंड मुझे और 1-1.5 घंटा और लगने वाला है। सो चलो चलते हैं अब। जब मैं कौसानी आया था तो ये वाला होटल था, हेरिटेज होटल। तो लास्ट टाइम मैंने ये वाला रूम लिया था 102 और यहाँ से व्यू कुछ ऐसा है। एंड मैं यहाँ पे गया था, यहाँ से हिमालय का व्यू दिखा था, वहाँ पे हिमालय का व्यू दिखता है। सो आप अगर कौसानी आ रहे हो तो हेरिटेज होटल यार ज़रूर यार ऑप्ट करना। मैं तो बोलता हूँ यहाँ से व्यू ज़बरदस्त दिखता है एंड सुबह के वक्त ही हिमालय का व्यू दिखेगा, ऐसे टाइम पे तो नहीं दिखने वाला। एंड यहाँ से बैजनाथ टेम्पल भी बहुत पास है, करीब 15 किलोमीटर है। So I have reached the बैजनाथ टेम्पल एंड ये यहाँ का पार्किंग है और हमको वहाँ से जाना है एंड वो रहा बैजनाथ टेम्पल। होप फोटोग्राफी अलाउड हो, बहुत धूप है अभी। सो दिस इज ए घाट, पानी साफ हो तभी नहाओ, अभी तो फिलहाल क्लीन नहीं है पानी। तो मैं मंदिर के अंदर तो नहीं जाऊँगा, मतलब एकदम अंदर तो शायद फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी अलाउड नहीं होगा, बट ऐसे बाहर से आप देख लीजिए। ये बहुत ही पुराना टेम्पल है एंड इसकी हिस्ट्री बस अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। तो इस मंदिर का कंस्ट्रक्शन 2 व्यापारियों ने किया था जिनका नाम था अहोका एंड मान्योका इन द ईयर 1204 में। एंड ये मंदिर डिवोटेड है लॉर्ड शिवा को। पैर जल रहा है पूरा, इतना गर्म हो गया पत्थर यहाँ पे लिटरली। यार कितना पुराना है टेम्पल, मतलब 1000 साल पुराना होगा। वाह, यहाँ बहुत सारे टेम्पल्स हैं आप देख सकते हो। ये वाला टेम्पल 1-2 कितने सारे हैं, यहाँ पे भी है बहुत सारे एंड वहाँ पे भी है, वहाँ पे भी फ़ोटो खिंचा रहे हैं लोग। इट इज़ कम्प्लीटली वर्थ इट, यहाँ पे आओ एंड यार। लेकिन सुबह के टाइम आना, इस वक्त तो बहुत गर्मी है। तो आप कौसानी में रहो एंड सुबह सुबह ही दर्शन कर लो इस मंदिर के। ये सुबह शायद 6 बजे से ओपन होता है। तो चलो अब निकलते हैं वापस सलमोड़ा, दैट वाज द लास्ट पॉइंट फॉर द डे। अब सीधा मिलते हैं होटल में। बोले तो पब्लिक टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना, अपुन आपको हिमालय दिखाएगा लेकिन कल। अपन बिनसार जा रहा है तो वहाँ से हिमालय का व्यू दिखता है। एनीवेज, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया है। तो पसंद आया तो यार लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, एंड न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कल जा रहा हूँ मैं बिनसार और कल सुबह ही निकल जाऊँगा ताकि हिमालय दिखे, और यहाँ से हार्डली 1 घंटे का रास्ता है। सो होप कि वेदर साफ रहेगा कल। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप ट्रैवलिंग। बाय।